अनगढ़ माइन लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला भेज दिया है। फैसला में क्या लिखा है यह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। झारखंड की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा एक एक सांसद और भाजपा समर्थित पत्रकारों सहित अन्य भाजपा नेताओं ने स्वयं चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है, जो वास्तव में एक सीलबंद कवर रिपोर्ट है। भाजपा द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का यह घोर दुरुपयोग और एक शर्मनाक तरीके से उनका पूर्ण अधिग्रहण देश के लोकतंत्र की नींव पर गहरा कुठाराग घात किया गया है। वहीं बता दें कि झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल को भेजे सील बंद लिफाफे को अगर कोई सांसद सार्वजनिक करने का दावा करता है तो यह क्रिमिनल ऑफेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है, हेमंत सरकार कोई खतरा नहीं है। सीएम से पहले कांग्रेस नेता सहमंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कई मीडिया रिपोर्ट में यह खबर प्रकाशित की जा रही है कि चुनाव आयोग ने सीएम को विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की सिफारिश को लेकर फैसला सुनाया है। हालांकि इस संबंध में चुनाव आयोग या राज्यपाल के सीएमओ को कोई पत्र नहीं मिला है। वहीं मुख्यमंत्री आवास की तरफ से कहा गया है कि संवैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का भाजपा नेता द्वारा दुरुपयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बाकी अब जाकर आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन ने जो है वो चुप्पी तोड़ते हुए नजर आई है। हालांकि जैसे ही इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी वैसे बीजेपी जो है इन पर हमलावर हो गई है। बाकी आप क्या कहेंगे सीएम की गद्दी को लेकर, क्या इनकी जो विरासत है वो चली जाएगी हाथों से? आप ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे।